हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और अच्छे होंगे। तो अभी आप लोग ये वीडियो देखो, पहले मैं आप लोग को जो वीडियो दिखा रहा हूँ उसके बाद एक्सप्लेनेशन में लास्ट में दूंगा। पहले देखो मैंने क्या क्या किया, कैसे किया हूँ, और इसके बारे में आपका एक्सप्लेनेशन लास्ट में दूंगा। बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को मैंने ये टमाटर सूप क्यों दिखाया एक्चुअली। तो जैसे कि यहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड बोले तो यहाँ पर माइनस चलता है कभी, तो मेरा आप लोग के साथ में ये टमाटर सूप इसलिए दिखाने का जरूरत है। मैं एक्चुअल शुरुआत कर रहा हूँ टमाटर सूप से, आपको धीरे धीरे और भी वीडियोज़ दिखाऊंगा जो वीडियोज़ यहाँ पर मतलब शॉर्टकट तरीके से काम किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में पालक दिखाया था, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोग को टमाटो सूप दिखाऊंगा। एक्चुअल टमाटो सूप ने जैसे कि अपने इंडिया में ना काफ़ी टाइम मिलता, तो हम लोग बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाल डाल के उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते, पर यहाँ पर हम लोग के पास होता है टाइम कम, और टाइम कम के अंदर हम लोग क्या बना सकते हैं, और वो भी बेस्ट बनाते हैं। एक्चुअल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी बना के दे दिया, पर यहाँ पर का थोड़ा सा रेसिपी मतलब शॉर्टकट और थोड़ा स्पीड वाला काम चाहिए, थोड़ा फास्ट, जो ताबड़तोबड़ में स्पॉट में तुरंत बनाए और अच्छा बनाए और फ्रेश हो और टेस्टी भी हो। तो वो इसलिए मैं आप लोग के साथ में ये दिखा रहा था, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आगे से भी कोई अगर हो कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग का कमेंट करो ये कैसे बनता है वहाँ पे, वो कैसे बनता है, तो हम जरूर आपको बना के दिखाएंगे, वरना ऐसा एक्सप्लेन करेंगे। तो टमाटो सूप इसलिए दिखा रहा था कि वो पहला वीडियो है, टमाटो एक कॉमन डिश है जो हर जगह पर मिलती है, और इसको आप लोग शॉर्टकट तरीके से और कहीं पर कोई भी बना सकता है, कोई हर एक रेस्टोरेंट में ये अवेलेबल होता है टमाटो सूप। तो बहुत कम से कम सूप यहाँ पर एक्चुअल में देखेगा तो सूप से लोग पहचानते हैं, क्योंकि शोरबा लोग थोड़ा कम बोलते हैं यहाँ पे, शोरबा यहाँ पर देख के फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है, और यूरोपियन आपको पता ही है। एक्चुअल आप लोग ने देखा होगा कि जैसे कि हम लोग शोरबा में क्रीम तो नहीं मारते, शोरबा में हम लोग को पता है आप लोग का टमाटो का जैसा नॉर्मल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टमाटो सूप और शोरबा में थोड़ा बहुत अंतर है, सूप थोड़ा सा अलग होता है पर यहाँ पर क्या है ना, शोरबा और सूप को दोनों को कंबाइंड किया है, इसलिए मैं आप लोग के साथ में ये छोटी छोटी चीज़ें, जो समझने वाला है वो समझेगा इस चीज़ को, जो नहीं समझेगा तो बोलेगा ये बकवास कर रहा है। तो वीडियो कैसे लगा आप लोगों को जरूर इस पर वीडियो, और आप लोग मेरा जो आइडिया लगा आप लोगों को बताने का, ये सब चीज़ क्या आप लोग को बताना चाहिए या आप लोग को जरूरत है ये सब चीज़ों की, क्योंकि मुझे लगता है कि बताना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कि बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे रेसिपीज हैं ऐसी जो मतलब हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से चलते हैं, जैसे दम बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी, लखनऊ बिरयानी, तो बहुत सारा उनको हम लोग लॉन्ग प्रोसेस में बनाते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा भी है कि बर्तनों की अवेलेबिलिटीज भी नहीं होती है, जैसे अपने को इंडिया में क्या क्या चीज़ों से हम लोग बर्तनों को, जहाँ से हम लोग खाना बनाना शुरू करते वहीं से दिल खुश होके बनाते, क्योंकि इस पर बनाऊंगा मैं तो हाँ ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं। तो गाइस वीडियो को यहीं पे शॉर्ट फॉर्म में ख़त्म करते हैं, और जब मिलते हैं जल्द से जल्द कोई दूसरी वीडियो में आपकी डिमांड पे, तो अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, सी यू।
बाय। तो इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए और कुछ सीखने के लिए या देखने के लिए वीडियोस को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर दें।